अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर रहे, वैसे आवाज़ से मेरी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी गला ख़राब सा है मेरा, क्योंकि पूरा दिन ही मेरा आज इस तरह तबीयत गुजरी है। तो ईद का सेकंड डे था लेकिन कहीं जा नहीं सका हूँ मैं, लेकिन अभी काफ़ी तबीयत बेहतर है। तो चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, हो रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ पर हैं आज हैं फूड इंजॉय की जाए। आयशा भी अभी जा रही है मेरे साथ, तो अभी हम जा रहे हैं दोनों खाना खाने हैं। और वी हाँ आर रहे आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या आयशा कह रही है, लेकिन चलते हैं सबसे पहले तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। तो चलें फिर, हाँ चलो लेट्स गो। इस वक्त मौजूद हूँ मैं F7 इस्लामाबाद में, और आज मैं एक इंतहाई ज़बरदस्त रेस्टोरेंट का रिव्यू देने जा रहा हूँ। यहाँ के खाने वाला इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई जायकेदार है। यहाँ पर रश बता रहा है कि आपको यहाँ आकर कभी कभी 1.5-2 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर कुछ प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो मैं भी फैमिली के साथ आया था तो मुझे तो फ़ौरन जगह मिल गई। बहरहाल यह है कि लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर हैं अभी हमने ऑर्डर वैसे कर दिए हैं। नॉर्मली यहाँ पर हैं जो जाना प्लेटर वगैरह चलता है तकरीबन 7,500-8,000 की रेंज में और 5,000 की रेंज में, और उसमें बेशुमार है जाना आइटम मौजूद हैं। चलो सिंगल आइटम है तकरीबन 1,000-1,500 की रेंज के अंदर अंदर, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप मतलब एक दो आइटम इकट्ठे जाना यहाँ पर हैं ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहरहाल है अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह खा कर हैं आप लोगों के साथ हैं, मैं टेस्ट भी शेयर करूंगा। तो अभी आयशा भी मेरे साथ ही है और काफ़ी इंजॉय कर रही है। रेस्टोरेंट काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको इंशाल्लाह रेस्टोरेंट का भी विज़िट करवाता हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है। आगे चल कर हैं मजीद इसके अंदर हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर आइयो, बोलो क्यों लेट आना चाहिए हैं? इधर देख के बातें करो ना। देखें जी, ये तुर्की सकाफत है उसको यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो वो बड़े पुराने जमाने में अकबर गाजी के जमाने की, ये देखें स्टाइल। ये देखें इतना ड्रीमी सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ इन्होंने, ये बैकग्राउंड में चेक करें। आयशा इंजॉय कर रही हो क्या? ये देखा जी आज को देखो प्यारा क्या हाँ ना। यहाँ पर है अरबिक कॉफ़ी, ये होती है जी ओरिजिनल कॉफ़ी, ये देखें।
धुआं आपने ओवरऑल रेस्टोरेंट काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ड्रीमी सा बना हुआ है और काफ़ी सजावट की हुई है यहाँ पर। वैसे मैंने यहाँ पर सामने ये किचन है, ये साइड पर कॉफ़ी वाला हमारा ऑर्डर तो पहुँच चुका है यहाँ पर, हमारा ऑर्डर पहुँच चुका है जी, ये हमने ऑर्डर किया था। दो मुख्तलिफ डिशेज हमने ये ऑर्डर की हुई है और आयशा को लगी हुई है शदीद भूख। क्यों आयशा, शुरू करें क्या? और ये है चम्मच और साथ कांटा। चलें जी, आयशा को भी शदीद भूख है लेकिन पहले मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। वैसे किससे शुरू किया जाए, यहाँ से चेक करते हैं वैसे क्या चीज़ है यार। जबरदस्त टेस्ट है और ये देखा ना, हाफ चिकन है, ये वाह जबरदस्त है। ये देखो जी, खाने के बाद जंगी मनाजिर, सुबाई का सीन। आयशा खा के फूल हो चुकी है। क्यों आयशा, बोतल पियोगी? खाना हमने खा लिया है, टेस्ट है काफ़ी अच्छा था यहाँ पर तुर्किश फूड का भी। इससे पहले हमने अरब फूड भी चखी थी, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट उनका, लेकिन इनका ज़रा आउट क्लास है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप लोग भी विज़िट करें, F7 मरकज के अंदर हैं, अलबाशा इस्तंबुल रेस्टोरेंट, बड़ा ही मशहूर हो रहे हैं। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है जी, खाने वालों की तादाद काफ़ी है यहाँ पर। आज ईद का सेकंड डे है लेकिन यहाँ पर है फिर भी अच्छी खासी तादाद है। तो यहाँ पर है, मैं अब अपनी वीडियो का इस्तेमाल करता हूँ, मिलता हूँ एक नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।